दोस्तों आपका स्वागत है फर्निशिंग ब्रो पे। अभी हम एक स्लीपवेल के स्टोर पे आए थे जहाँ पे हमने एक इनोवेटिव गद्दा देखा है, थ्री फोल्ड गद्दा है। स्लीपवेल का ये जो स्टोर है वो गुजरात के राजकोट में है और इसके जो ओनर है वो राहुल भाई फेफर है जिसने ये गद्दा बनाया है। तो दोस्तों मैंने सोचा एक वीडियो बनाते हैं, दिखाते हैं आपको किस तरीके का गद्दा राहुल जी ने बनाया है। देखिए ये थ्री फोल्ड गद्दा है। आपने आमतौर पर देखे तो बहुत सारी ब्रांडेड कंपनी के गद्दे इस तरीके के देखे होंगे, मगर ये राहुल जी ने यहाँ पे ही लोकल बनवाया है इस तरीके का गद्दा। देखिए ये थ्री फोल्ड गद्दा है। इसकी अगर साइज देखें तो 6x3 फीट की है। इस तरीके से देखिए ये वर्क करता है। देखिए अगर आपको सोना है तो आप इस तरीके से रख के यहाँ पे सो सकते हो, मतलब मल्टीपर्पज यूज वाला गद्दा है देखिए। और यहाँ पे जो क्विल्ट यूज किया है ये कॉटन का क्विल्ट है। वैसे देखे तो कॉटन के क्विल्ट के अंदर भी इस तरीके का फाइबर प्लस कॉटन का फीलिंग दिया हुआ है। देखिए ऊपर का जो फैब्रिक है 100% कॉटन और फैब्रिक दिया हुआ है ऊपर का है ये, और इसके नीचे यहाँ पे इंसुलेटर आता है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है ऊपर के क्विल्ट का। नीचे की बाजू ओनली फैब्रिक आता है कॉटन का, और इसको आप मल्टीपर्पस के तौर पे यूज़ कर सकते हो। पहले तो आप इसको सोने के लिए यूज़ कर सकते हो, सेकंड आप इसको बैठने के लिए इस तरीके से फोल्ड करके यूज़ कर सकते हो। देखिए अगर थोड़ा हाइटेड सीट चाहिए आपको तो इस तरीके से आप बैठने के लिए यूज़ कर सकते हो। थर्ड आप इसको एज ए सोफ़ा अगर आप फर्श पे बैठना चाहते हो तो इस तरीके से यूज कर पाओगे। देखिए मल्टीपर्पज यूज है और ये कॉटन के क्विल्ट में से बना हुआ है तो मुझे ज्यादा बेटर लगा। देखिए इस तरीके से बैठने के लिए आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको अपने जो लेग है वो सीधे रखने हैं तो इसका एक अलग तरीके से भी आप यूज कर पाओगे। देखिए देखिए इस तरीके से आप इसको यूज कर पाओगे। देखिए अगर आपको लैपटॉप में वर्क करना है, मोबाइल में गेमिंग खेलते हैं या तो फिर टीवी वगैरह देखते हैं तो आप इस तरीके से आराम से कंफर्टेबली इसके ऊपर बैठ के आप टीवी वगैरह एंजॉय कर पाओगे। तो ये मल्टीपर्पज गद्दा राहुल जी ने बनाया हुआ है दोस्तों। देखिए इस तरीके से ये फोल्ड हो जाएगा इजीली। और आमतौर पर अगर इस तरीके के गद्दे देखे तो आप वहाँ पर यूज कर सकते हो जहाँ पर स्पेस कम है, यानी कि अगर घर के अंदर स्पेस कम है तो इसका अगर साइज देखे तो देखिए ये 2 इंच थिकनेस वाला है। तो फोल्ड होने के बाद ये 6 इंच का टोटल थिकनेस होगा। और ये वाली जो साइज है ये 2 फीट की है, 2 फीट की, और ये वाली साइज 3 फीट की है। तो इतनी साइज की अगर अलमारी है तो आप आराम से इसको उठा के, इस लाइट वेट है पूरा गद्दा, तो उठा के आप आराम से अलमारी में रख पाओगे। जब भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो वहाँ पर आप गेस्ट के लिए ये गद्दा यूज़ कर सकते हो। जब यूज़ नहीं है तो वापस अलमारी में रख सकते हो। तो मल्टीपर्पज़ यूज़ है, फार्म हाउस के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर कार के अंदर स्पेस है तो आप कार के अंदर भी रख सकते हो इस तरीके का गद्दा। जहाँ पे यूज़ है वहाँ पे इस गद्दे को निकाल के फोल्ड करके आप यूज़ कर पाओ। आमतौर पे अगर बेड के ऊपर इस तरीके से रखा है गद्दा और जब रिक्वायरमेंट नहीं है तो इसका थिकनेस 2 इंच का ही है तो आप इस तरीके से बेड के पीछे रख सकते हो। देखिए तो जब ज़रूरत है तो इसको उठा के वापस इस तरीके से रख दिया। तो मल्टीपर्पज़ दोस्तों इसके यूसेज है। इसका अगर कॉस्टिंग देखें तो 2500 रुपीज़ इसका कॉस्टिंग है, 6x3 फीट का गद्दा और 2 इंच की थिकनेस के अंदर। तो कॉस्टिंग भी मेरे ख्याल से वैल्यू फॉर मनी है। इसके अंदर ओरिजिनल कॉटन का फैब्रिक यूज़ किया हुआ है और क्वालिटी भी अच्छी राहुल जी ने बनाई हुई है। दोस्तों इसके अंदर जो फोल्ड है, जो थ्री फोल्ड आपको दिख रहा है, इसके अंदर जो फोम यूज़ किया है वो स्लीपवेल कंपनी का फोम राहुल जी ने यूज़ किया है। देखिए ये जीपर कवर है, इस तरीके का फोम है इसके अंदर। देखिए ये PU फोम इसके अंदर यूज किया हुआ है। दोस्तों अगर आपको ऊपर का जो कवर है वॉश करना है तो आप इस तरीके से जिप को ओपन करके सारे जो पार्ट है वो अलग अलग बॉक्स में, यानी कि अलग अलग जिपर के साथ दिए हुए हैं। तो एक को आप ओपन करोगे तो ये फोम बाहर निकल जाएगा, दूसरी जो जिप है वो यहाँ पे दी हुई है, दोनों देखिए यहाँ पे और यहाँ पे है। तो इन फ्यूचर अगर आपको वॉश करना है कवर तो आप जिप को ओपन करके फोम निकाल के कवर को वॉश करके वापस फोम लगा सकते हो। तो इजी टू वॉश है, इसका कवर भी आप आराम से वॉश कर पाओगे। हालांकि इसके अंदर कॉटन क्विल्ट दिया हुआ है तो इतना ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप इसको मशीन वॉश करें, जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसको टब वॉश करें आप, मशीन वॉश इतना ज़्यादा रेकमेंडेड नहीं रहेगा। तो बेस्ट प्रोडक्ट वैसे देखे तो अच्छा बनाया हुआ है प्रोडक्ट। दोस्तों मैं राहुल जी का नंबर भी वीडियो के इन्फॉर्मेशन के अंदर दे देता हूँ, अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली राहुल जी से बात कर पाओगे।